नमस्ते दोस्तों, छाया किचन में आप लोग का स्वागत है। तो आज मैं फिर से ले आई हूँ एक नई रेसिपी। गुथा हुआ आटा अगर बच जाए तो इसका बहुत ही हेल्दी टेस्टी नाश्ता बन के रेडी हो जाता है, और बच्चों का पसंदीदार रेसिपी है ये, और बहुत ही झटपट बन के रेडी होगा। तो मैं किस तरह करके बनाती हूँ पूरे वीडियो में बने रहिए। तो चलिए बनाना शुरू करती हूँ। नाश्ता को बनाने के लिए मैं गुथा हुआ आटा ली हूँ। ये रोटी बनाते समय आटा थोड़ा बच गया था, तो इसी से मैं आप लोगों को नाश्ता बना के दिखाऊंगी। तो थोड़ा सा आटा को इस तरह करके मिला लेती हूँ। तो देखिए मिला ली हूँ, तब मैं नाश्ता का शेप दे देती हूँ। इस तरह करके थोड़ा सा लेना है और धीरे धीरे इस तरह करके गोल करना है। तो देखिए गोल हो गया, तो इस तरह करके चपटा कर देना है। इस तरह करके तो देखिए चपटा कर दी हूँ। और एक मैं बोतल ली हूँ, अब इस तरह करके इसके बीच में इस तरह करके देकर दबा देना है। तो देखिए कितना सुंदर डिजाइन बन के रेडी हो गया, तो कितना सुंदर लग रहा है देखने में। तो इसी तरह करके सारे नाश्ते को सेव दे देती हूँ। तो देखिए सारा नाश्ता को मैं सेव दे दी हूँ, तो देखने में कितना सुंदर लग रहा है। तो चलिए अब चूल्हे की तरफ। पानी को मैं पहले ही उबलने दे दी थी, तो पानी में बहुत अच्छे से उबाल आ गया है। अब मैं दे देती हूँ इसमें एक चम्मच रिफाइन ऑयल। अब इस तरह करके ऑयल को मिला देना है। अब मैं नाश्ते को दे देती हूँ एक एक करके। इस तरह करके बनाइएगा, बच्चे बहुत ही पसंद करेंगे। मैं बच्चों का टिफिन के लिए ही बना रही हूँ। अब इस तरह करके थोड़ा सा चला देना है और मैं इसे 2 से 3 मिनट तक उबाल लेती हूँ। जब तक नाश्ता उबल रहा है तब तक मैं एक मसाला तैयार कर लेती हूँ। तो ये मैं एक कटोरी में टमाटो सॉस ली हूँ 2 चम्मच। अब इसमें दे देती हूँ लाल मिर्च पाउडर, तीखा अपना कम बेसी कर सकते हैं। मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ इसीलिए मैं कम मसाले से बनाऊँगी। ये मैं ली हूँ जीरा धनिया पाउडर, इसे दे देती हूँ। अब मैं दे देती हूँ पास्ता मसाला। ये मैं पैकेट पहले यूज की थी इसीलिए थोड़ा सा हवा लग गया था, तो इस तरह का हो गया है। तब मैं सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो देखिए मसाले को मैं अच्छे से मिक्स कर ली हूँ, तो मसाला रेडी हो गया है। तो चलिए हम नाश्ते को चेक कर लेती हूँ। नाश्ते को मैं 2 मिनट तक उबाल ली हूँ। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, मतलब नाश्ता पक गया बहुत अच्छे से। तो नीचे उतार के एक छन्नी से छान लेती हूँ। तो देखिए नाश्ता को मैं एक छेद वाला थाली से छान ली हूँ। तब मैं थोड़ा सा दे देती हूँ ठंडा पानी ताकि ये चिपकेगा नहीं। तो देखिए इसे मैं छान ली हूँ। तो देखिए इसका पानी आप फेंकिएगा नहीं, इसे आप सब्जी में भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए फिर से चूल्हे की तरफ। फिर से मैं चूल्हे पे चढ़ा दी कढ़ाई। कढ़ाई गर्म हो गया है, दे देती हूँ 2 चम्मच रिफाइन ऑयल। ऑयल गर्म हो गया है, तब मैं दे देती हूँ कटा हुआ प्याज, कटा हुआ अदरक, कटा हुआ लहसुन। अब मैं सारी चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। सारे चीज़ों को मैं अच्छे से फ्राई कर ली हूँ, तब मैं दे देती हूँ थोड़ा सा हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। तो ये मिक्स हो गया है, तब मैं दे देती हूँ नाश्ते को। एक मिनट तक अब मैं चला लेती हूँ। एक मिनट तक चला ली हूँ जो मैं मसाला तैयार करके रखी थी, अब उसे दे देती हूँ। इसे भी थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। तो मैं थोड़ा सा चला ली हूँ। इसमें आप धनिया पत्ता भी दे सकते हैं, मेरे पास नहीं है तो मैं इसी तरह बनाई हूँ, ये भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तब मैं नीचे उतार के एक प्लेट में सर्व कर ली। तो देखिए नीचे उतार के एक प्लेट में सर्व कर दी हूँ, थोड़ा सा हरी मिर्च से सजा दी हूँ। ये बच्चों का पसंद का नाश्ता बन के रेडी हो गया, गेहूं का आटा का नाश्ता, एकदम हेल्दी नाश्ता। तो एक बार इस तरह करके जरूर ट्राई कीजिएगा, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, बच्चे बहुत ही पसंद करते हैं इसे।
तो मेरा नाश्ता बनाने का तरीका आप लोग को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ ऐसी एक नई रेसिपी में।